हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने नर्सिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी के अंदर जो NRHM के थ्रू NHM के अंडर वैकेंसी निकली है, इसकी पूरी डिटेल, कैसे कैसे पोस्टों को आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी पोस्ट में आप एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी से पहले जो वैकेंसी CHO की वैकेंसी थी उसकी थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ। जैसे कि सबने पूछा कि सर इसकी परसेंटेज कैसे निकलने वाली है, ठीक है, तो उस परसेंटेज की मैं बात करूँ CHO का, जैसे कि अभी एग्जाम लगा था, अगर आपने एग्जाम दिया है तो फिर डेफिनेटली आपको पता होगा कि सबसे पहले एक अपडेट दी थी, उसमें आपको 15 डिस्ट्रिक्ट जो थी समथिंग 15 डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी थी। और मैं आपको बता दूँ जैसे कि कितने सबने पूछा कि 2-3 क्वेश्चन थे सर कितने स्टूडेंट ने वहाँ प्रेजेंट हुए हैं, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के अंदर समथिंग 32-33 सेंटर थे, ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, 33, अगर एक सेंटर के अंदर अगर 900-1000 थे स्टूडेंट, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली 30,000 स्टूडेंट पूरे वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। समथिंग 30,000 समथिंग स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई किए थे, ठीक है, इसके बीच में काउंटिंग आ सकती है। और मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज कैसे निकलने वाली है, परसेंटेज अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट निकलने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि 15 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करवाई थी, अब परसेंटेज कैसे निकलेगी वो बता देता हूँ। टोटल वैकेंसी की परसेंटेज नहीं निकले, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट निकलेगी। जैसे कि आगरा, वो लखनऊ, कानपुर, वो गाजियाबाद जो कि दिल्ली के बहुत पास में पड़ता है, तो जो हरियाणा के पास में पड़ता है, तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने सेलेक्ट की है, तो उनकी परसेंटेज बहुत हाई जाने वाले हैं। डेफिनेटली आगरा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, ये सब ने भरा है, तो वहाँ परसेंटेज बहुत हाई जाने वाली है। और ऐसे भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको कोई पहचानता नहीं, बैकवर्ड इलाका है, तो वो डिस्ट्रिक्ट किसी ने भी सिलेक्ट नहीं की है, तो उनकी परसेंटेज बिल्कुल लो जाने वाली है। जी हाँ, ऐसे ही परसेंटेज निकलने वाली है, आगरा की बहुत हाई परसेंटेज जाने वाली है। टोटल वैकेंसी की परसेंटेज नहीं निकलेगी, तो क्राइटेरिया यह रहता है परसेंटेज निकलने का, ठीक है, तो दो ही क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन फेल हो गए। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आज फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप फॉर्म भर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, कौन कौन सी वैकेंसी को आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि 18 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं मैटरनल हेल्थ की वैकेंसी ANM की, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट में है, ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन 2 ईयर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन एक्सिलरी नर्सिंग, यानी कि ANM इसमें मांगा है, मिडवाइफरी बाई एन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट अप्रूव बाई नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये GOL करिए गलत किया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आप देखिए अगर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होगा देन आपको ST OBC SC का रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आप अदर स्टेट से हो फिर आपको रिजर्वेशन वहाँ नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो की है 7,199 पोस्ट है जनरल की, ST की अपन को जनरल की ध्यान रखनी है, 3580 पोस्ट है, सैलरी इसमें ANM के अकॉर्डिंग दी गई है, ठीक है। सेकेंड है मैटरनल हेल्थ की है, इसके अंदर स्टाफ नर्स की पोस्ट है 1128 समथिंग पोस्ट है, ठीक है, इसके अंदर जनरल की 547 पोस्ट है, सैलरी थोड़ी ठीक है, 20,000 इसके अंदर सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, मतलब आपके पास GNM हो देन यू कैन अप्लाई, अगर आपके पास BSc नर्सिंग है देन यू कैन अप्लाई, बट अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी SNMH की वैकेंसी, ठीक है। चलिए OT टेक्नीशियन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट नहीं आती, मैं 4th नंबर की बात करूंगा, चाइल्ड हेल्थ NRC की वैकेंसी, ठीक है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन जो मांगी है डिप्लोमा इन नर्सिंग यानी कि नर्सिंग मिडवाइफरी BSc नर्सिंग, यानी कि इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि जो 3rd नंबर की वैकेंसी है, ठीक है, इसके अंदर आप नहीं कर सकते, और जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है वो है मैटरनल हेल्थ की वैकेंसी, इसमें आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है और आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है, सैलरी भी ज़्यादा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और चाइल्ड हेल्थ में सैलरी कम है, इसमें भी वही क्वालिफिकेशन मांगी है, ठीक है। और ये देखिए इसके अंदर एक और स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, इसमें भी क्वालिफिकेशन, मतलब ऐसी कोई इसके अंदर पोस्ट नहीं है जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ में रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर होगा तो आगे पता लग जाएगा। DMLT की वैकेंसी है जो अपने काम की नहीं है, आगे मैं डायरेक्ट चलता हूँ जो आगे अंदर वैकेंसी दी गई है, ठीक है, या फार्मासिस्ट की, लेबर असिस्टेंट की, ANM की वैकेंसी और निकल गई है, इसमें 10,000 तो ये भरने की आपको जरूरत नहीं है, अगर ANM
स्टूडेंट हो देन यू कैन मस्ट अप्लाई, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्ट्रेंथिंग DHS इसको जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन नर्सिंग यानी कि BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रजिस्ट्रेशन अंडर नर्सिंग काउंसिल विथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है देन यू कैन मस्ट अप्लाई, क्योंकि इसके अंदर सैलरी बहुत अच्छी है। इस वैकेंसी को अप्लाई करेगा नहीं क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के पास होता है और देखिए पोस्ट है इसके अंदर बहुत कम दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेता हूँ एक और डिस्ट्रिक्ट की, इसके अंदर भी पोस्ट है कम है, ठीक है। तो जिसके अंदर पोस्ट ज़्यादा है उसके अंदर फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होने वाले हैं और कम के अंदर कम होने वाला है, ठीक है। तो यही मैं बात करूँगा आगे नीचे जाके, मैं आगे बता देता हूँ कि इसके अंदर एज रिलैक्सेशन क्या है, मैंने आगे बता दिया आपको। PDF आपके पास सबके पास अवेलेबल होगा जहाँ तक मुझे पता है और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो 18 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अनरिजर्व के पास होगी, 40 साल का टाइम होगा, 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए अनरिजर्व को PH को यानी कि 50 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। OBC वाले 53 ईयर तक कर सकते हैं जिसके पास रिजर्वेशन है, ठीक है। तो देखिए एज ईयर्स की बात करें 40, 43, 45 तो ये रहेगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ लास्ट सबमिशन की जो डेट होगी 7 जनवरी लास्ट डेट होगी, तो उससे पहले पहले 7 दिन पहले अप्लाई कर दीजिए आप, क्योंकि फिर लास्ट में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है उसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही निकलने वाली है परसेंटेज, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। मेरे व्हाट्सएप में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। खुश रहो, खुश रखो, बाय फ्रेंड्स।